वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो में ग्राफिक कंटेंट या गोर कंटेंट हो सकता है। वेल, मैं अवॉइड करूंगा किसी भी ओरिजिनल क्लिप को इंक्लूड ना करूं। एंजॉय द वीडियो। फेस स्प्लिट डाइविंग वीडियो। अराउंड जून 2009 एक वीडियो जिसमें 16 साल का लड़का किसी क्लिफ से जंप करता है, वो वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल होती है। वीडियो में शुरू के 15 सेकंड्स बिल्कुल नॉर्मल है, देन हम एक और लड़के को देखते हैं जो क्लिफ से जंप लगाने का ट्राई करता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहां से स्लिप हो जाता है एंड नीचे कॉन्क्रीट स्लैब से टकरा जाता है। कॉन्क्रीट स्लैब के साथ टकराने के कारण उसका फेस हाफ स्प्लिट हो जाता है एंड मैं जी बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लिटरली उसका फेस हाफ स्प्लिट हो जाता है। इस पूरी वीडियो फुटेज में एक्चुअली दो क्लिप्स मर्ज थी, एक तो क्लिप से जंप लगाने वाली क्लिप एंड दूसरी सर्जन की क्लिप जो उसके फेस को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। बट द डिस्टर्बिंग पार्ट इज जब वो सर्जन उसके फेस को फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़का अभी तक कॉन्शियस था। वीडियो के दौरान तुम उसकी टंग बाहर निकलते हुए देख सकते हो। सर्जन ने समहाउ उसके फेस को पैच कर दिया बट स्टिल दो दिन बाद उसकी आईसीयू में मौत हो गई। वेल, अगर तुम चाहो तो तुम ये वीडियो इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो, तुम्हें इजीली सर्च करके मिल जाएगी, बट कमेंट्स में मुझसे लिंक मत मांगना। One lunatic, one I speak. On May 25, 2012, bestgore.com पर एक 11 मिनट की वीडियो अपलोड हुई जिसका टाइटल था One lunatic, one I speak. इस वीडियो में एक नेकेड मेल को बेड के फ्रेम के साथ बांध रखा था। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो विक्टिम को बार बार एक आई स्पिक एंड किचन नाइफ से स्टैब करता है। बाद में वो उसके फ्लैश को काट कर अपने पपी को खाने के लिए दे देता है। वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है एंड लेटर उसकी कटी बॉडी के साथ SEX भी करता है। पुलिस ने समहाउ दोषी को पकड़ लिया। दोषी का नाम लुका मैग्नोटा था एंड विक्टिम का नाम लिन जुन था। लुका एक कैनेडियन सिटीजन एंड एक मॉडल था गेप फोटोग्राफी इंडस्ट्री में। लेटर ये पता लगा कि लुका ने यूट्यूब पर भी कुछ सालों पहले एक वीडियो पोस्ट की थी वन बॉय टू किटन नाम से एंड उस समय भी इस वीडियो पर काफी आउटरेज हुआ था। एक्चुअली नेटफ्लिक्स ने भी लुका मैग्नोटा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है विद द नेम ऑफ डोंट एफ विद कैट्स। अगर तुम्हें इस पूरे इंसिडेंट के बारे में जानना है तो तुम ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट्री नहीं देखनी तो एक बार इसका ट्रेलर देख लेना। बाय द वे, तुम वन लुनाटिक एंड वन आई स्पीक की ओरिजिनल क्लिप को इंटरनेट पर जाकर देख सकते हो, तुम्हें इजीली मिल जाएगी। BME Pain Olympics एक इंटरनेट चैलेंज है। दिस चैलेंज इज ऑल अबाउट हु कैन बेयर मोर पेन, आखिर ज्यादा दर्द कौन सह सकता है। इस चैलेंज पर काफी सारी वीडियोस पोस्टेड हैं एंड सारी वीडियोस काफी हार्ड टू वॉच हैं। इस चैलेंज पर एक वीडियो पोस्ट हुई थी इंट्री 2 नाम से एंड इस वीडियो में बेसिकली एक आदमी अपने जेनिटल्स को स्ट्रिंग के साथ बांधता है एंड देन एक छोटे हैमर टाइप से अपनी बॉल्स को जोर से मारता है एंड यू नो इट वॉज ग्रॉस। इस वीडियो को देखने के बाद पीपल ऑन द इंटरनेट वर लाइक व्हाट द फक, लाइक व्हाट द फक दे जस्ट वॉच्ड। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर कहा ये वीडियो फेक है एंड पर्सनली आई डोंट नो ये वीडियो फेक है या नहीं, बट मुझे ये एक रेडिट पोस्ट दिखी। एलिजेडली इसने ही इंट्री 2 वाली वीडियो बनाई थी एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज फेक, बट इसने आगे लिखा कि बेशक मेरी वाली वीडियो फेक थी बट वेरियस BME टॉर्चर वीडियोस रियल हैं एंड उनमें इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम फुटेजेस हैं। रोनी मैकनट स्ट्रेन। वीडियो में आगे मैं इस वर्ड को पेन बोलूंगा एंड इस वर्ड को मून। रोनी मैकनट एक 33 ईयर ओल्ड US आर्मी वेटरन था। अगस्त 31, 2020 को रोनी ने फेसबुक लाइव स्ट्रीम पर पेन के साथ मून कमिट कर दिया। रोनी ऑफ्टन फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करता था एंड यूजुअली वो पॉप कल्चर के बारे में बात करता था। जिस दिन रोनी ने मून कमिट किया उस दिन वो काफी परेशान लग रहा था, उसे बार बार उसकी फैमिली से कॉल्स आ रही थी। फैमिली के साथ बात करने के बाद ऐसा लगा कि उनका मैटर सॉल्व नहीं हुआ। कॉल को कट करने के बाद रोनी चैट से कहता है हे गाइस दैट्स इट, देन उसने पेन को अपनी चिन पर रखा एंड ट्रिगर दबा दिया। उसका फेस पूरी तरह से इवेपोरेट हो गया। इस लाइव स्ट्रीम की क्लिप्स को सोशल मीडिया साइट्स पर काफी शेयर किया गया। अगर तुम्हें ये क्लिप देखनी है तो शायद तुम्हें ये एक्स पर मिल सकती है। So that is it for today. कमेंट करके बताना तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए या फिर नहीं। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लो। एंड यस, मैं अपने खुद की एक एनालॉग हॉरर सीरीज पर भी काम कर रहा हूँ। एपिसोड 1 की स्क्रिप्टिंग खत्म हो चुकी है, फिलहाल मैं उसके म्यूजिक एंड BGM पर काम कर रहा हूँ। जैसे ही म्यूजिक कम्प्लीट होता है मैं उसके डायलॉग्स डब करवाना शुरू कर दूंगा। बाय द वे, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।